नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्राची भारद्वाज। आज राजधानी पटना के कंकड़बाग टेम्पो स्टैंड के पास कांग्रेस के सैकड़ों समर्थकों ने कांग्रेस नेता विनोद पाठक के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि देश में पेट्रोल डीजल के साथ साथ अन्य खाद्य पदार्थों के मूल्य में काफी वृद्धि है, जिसको लेकर आज कंकड़बाग टेम्पो स्टैंड के पास कांग्रेस नेता सड़क पर उतरे। और वहीं कांग्रेस नेता विनोद पाठक ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी जी जब शासन काल में आए थे तो उन्होंने लाख वादे किए थे, लेकिन सारे वादे आज खोखले साबित हुए हैं। यही याद दिलाने हेतु आज हम लोग अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ सड़क पर उतरे हैं। नरेंद्र मोदी जी अपने वादे के अनुकूल काम करें और महंगाई पर अंकुश लगाएं, अन्यथा अपना इस्तीफा दें। विरोध प्रदर्शन के बाद वही नरेंद्र मोदी का पुतला भी जलाया गया। हो नहीं हो, ये तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथ में है, लेकिन हम लोगों का मेन काम है कि जो मोदी जी 13 में भाषण देकर आए थे उसको उनको बताना है कि प्रधानमंत्री जी आप अपने बात पर गौर करें, अपने भाषण पर गौर करें, अपने पत्नी पर गौर करें कि आप भारत के जनता से क्या बोलकर आए थे। आपने यही बोला था कि भारत में भ्रष्टाचार कम होगा, भारत में महंगाई कम होगा, भारत में बेरोजगारी कम होगा, लेकिन विपरीत इसके उल्टा किया आपने। तो प्रधानमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि 2013 के बात को आप ध्यान दें और देखें और भारत की जनता पर ध्यान दें। आगे हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। अब प्रधानमंत्री की भाषा को जवाब प्रधानमंत्री की भाषा से हम लोग देंगे। जो जो 13 में प्रधानमंत्री जी बोले थे उसका जवाब हम लोग अब देंगे और उसी भाषा में उनको जवाब देंगे और उनको गद्दी से उतारेंगे। आगे की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारी खबरों को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।